ओके okay, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिलेंड्रिकल फिगर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए हम एक बार फिगर ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं इट्स अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ओके एंड ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर सीएसए काउट सर्फेस एरिया गिवन है और हमें सोल्व करना फाइन दीटर ऑफ द सिलेंडर तो कैसे सोल्व होगा चेक करते सीएसए ऑफ सिलेंडर रिजल्ट क्या है चेक करो करोलेट सिलेंडर और हमें गिवन है सीएसए हम वो भी मेंशन कर लेते हैं इट्स 88 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इक्वेशंस हमारे पास दो हैं और दोनों ही सीएसए की इक्वेशन है सेम सिलेंडर तो इक्वेट हम कर ही पाएंगे इसको तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 ठीक है ना हाइट हमारे पास है हम वो रिप्लेस कर सकते हैं पाई की वैल्यू हमें पता है हम वो रिप्लेस कर पाएंगे आर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर एंड दिस इज हाइट इज 14 तो मैंने यहाँ पर हाइट मेंशन कर दी 14 एंड दिस कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू 88 नाउ अब हमें सॉल्व करना द वैल्यू ऑफ आर तो 88 एट इंटू सेवन डिवाइडेड बाई टू इंटू ट्वेंटी ठीक है तो दिस इज फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय टू इज एटी एट तो हमारे पास जो हाइट आ गई सॉरी uh, रेडियस जो आ गया इट्स फोर्टीन अगर रेडियस फोर्टीन है हर हमें सॉल्व करने को दिया गया फाइन द डायमी बेस ऑफ द सिलेंडर सो दैट द डायमीटर विल बी अब हमें डायमीटर सॉल्व करना तो आइडिया हो गया आपको कि क्या किया जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय रेडियस तो टू मल्टीप्लाई बाय फोर्टीन इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर आंसर ओके क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट को ध्यान से समझ के फिर स्टार्ट करते हैं इट इज रिक्वायर्ड टू तो मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक तो सबसे पहले तो क्लोज टैंक की बात की गई है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है तो पहले हम सिलेंडर ड्रॉ करते हैं ओके तो ये टैंक सिलेंड्रिकल शेप क्लोज टैंक जो कि टॉप एंड बॉटम से क्लोज है यहां से भी बंद है एंड यहां भी क्लोज ओके एंड हाइट इज गिवन वन मीटर दिस इज हाइट एंड द बेस डायमीटर इज डायमीटर गिवन है वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर एंड हाइट है वन मीटर तो दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं तो सबसे पहले हम यूनिट्स इक्वल कर लेते हैं <coughs> लास्ट में जो हमसे क्वेश्चन में पुट किया गया पूछा गया है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम स्क्वायर मीटर्स स्क्वायर मीटर से आइडिया हो जाना चाहिए कि हमें जो आंसर्स अपना हमें रिप्रेजेंट करना वो मीटर्स स्क्वायर मीटर्स में रिप्रेजेंट करना दैट्स वाई वी नीड कि जो हम सॉल्व करें हमारी कैलकुलेशन वो मीटर्स में ही रहे ठीक है ना ओके okay. तो क्लोज टैंक सिलेंड्रिकल टैंक एरिया सॉल्व जो करना है हमें उसके लिए वी नीड टू सॉल्व टोटल सर्विस एरिया टी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल फिगर टी एस एफ सिलेंड्रिकल फिगर इज टू पाई आर इन टू आर प्लस एच ठीक है तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसको रिप्लेस करते हैं हमारे पास डायमीटर है 140 फोर्टी सेंटीमीटर डायमीटर को कन्वर्ट करके मीटर्स में ले आते हैं तो वो डायमीटर जो कन्वर्जन के बाद आ जाएगा वो हो गया 140 फोर्टी मीटर्स वन फोर आई मीन 14 10 मीटर्स जीरो कैंसिल हो गया एक दिस इज डायमीटर अब हम रेडियस की बात करें तो रेडियस विल भी इसका हाफ करेंगे तो सेवन बाय टेन मीटर तो ये हमारे पास डायमेंशन एक तो रेडियस और हमें हाइट गिवन है मीटर्स में जो हमें यूज कर देनी है हमारे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए तो टू पाए पाए द वैल्यू ऑफ पाए इज ट्वेंटी टू बाय सेवन एंड आर अभी हमने सॉल्व करके लिखा है सेवन अपॉन टेन देन आर अगेन पुट करना है यहाँ पर सेवन अपॉन टेन एंड प्लस एच एच इज वन ठीक है तो इसको सॉल्व कर दो जरा सेवन एंड सेवन एलिमिनेट ट्वेंटी टू इंटू टू फोर्टी फोर फोर्टी फोर अपॉन टेन एंड यहां एलसीएम के साथ सॉल्व कर दो इसे तो ये आ जाएगा सेवन प्लस टेन इज सेवनटीन अपॉन टेन तो वन 17 सेवनटीन इंटू फोर्टी फोर अपॉन हंड्रेड ठीक है यहां तक हमारी कैलकुलेशन दिन फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन इज सेवन फोर्टी एट अपॉन हंड्रेड मीटर स्क्वायर सेवन पॉइंट फोर एट मीटर स्क्वायर तो ये हमने जो सॉल्व किया एक बार इसे फिर से ध्यान से चेक कर लो कि हमने क्या सॉल्व किया है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम कितने स्क्वायर मीटर्स इस पूरे क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए यूज की गई थी वो हमारा आंसर है सेवन पॉइंट फोर एट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन मेटल पाइप सेवन 77 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पाइप की बात की गई है जिसमें उसकी लेंथ गिवन है 77 सेंटीमीटर तो हम पाइप के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं पहले द लेंथ इज 77 सेंटीमीटर द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर थिकनेस की बात की गई है दैट्स वाइट गिवन कि जो डायमीटर है वो इनर भी है और आउटर भी है और दो डायमीटर है बट है एक इस फिगर में कहीं ना कहीं थिकनेस की बात हो रही है तो उसके लिए हम इसकी फिगर के साथ इसको थिकनेस के साथ ड्रॉ करते हैं ठीक है चीके? ये हो गया ड्रॉ थिकनेस नजर आ रही है अब आपको इसमें इनर और आउटर डायमीटर की बात की गई है इनर और आउटर डायमीटर है अगर हमारे पास तो क्या क्या सॉल्व हो सकता है आउटर रेडियस पहले तो आउटर डायमीटर की बात करें तो वो है 4.4 सेंटीमीटर जिससे रेडियस सॉल्व होगा 2.2 सेंटीमीटर फिर हम इनर डायमीटर की बात करते हैं वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर इनर रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर दोनों रेडियस हैं दोनों डायमीटर दोनों रेडियस और हमें जो हाइट गिवन है वो है 77 सेंटीमीटर हाइट फर्स्ट पार्ट जो हमसे सॉल्व करने को बोला गया कि फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया इनर कर्व सरफेस एरिया समझ गया ना कर्व सरफेस एरिया वो भी सिर्फ इनर पोर्शन का सी एस एफ सिलेंड्रिकल फिगर इट्स टू पाई आर एच इनर के लिए डायमेंशन चेक कर लेना मैंने जो रेडियस यूज किया हुआ, वो बहुत स्मॉल टू यूज हो रहा टू इन टू ट्वेंटी टू बाई सेवन एंड वट अबाउट रेडियस इनर रेडियस की बात कर रहे हैं इनर रेडियस इज़ दिस वन ये वाला जो हमारे पास रेडियस है वो इनर रेडियस है और वो है हमारे पास टू और हाइट इज़ सेवेंटी सेवन तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल आई मीन सॉरी कैंसिल करना है तो ये इलेवन एलेवन इंटू टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू इंटू टू एंड वॉल ये है हमारे पास फोर्टी फोर इनका मल्टीप्लाई एंड दिस इज ट्वेंटी टू तो फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाई टू आप चेक कर लो खुद भी सॉल्व करके देख लो कि क्या वैल्यू आ रही है आपके पास दिस इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है इनर काउट सरफेस एरिया अब सेकंड पार्ट जो हमसे सॉल्व करने को बोला गया वो है आपके पास है आउटर काउट सरफेस एरिया मतलब सी से तो सॉल्व करना है पर इस बार इनर नहीं आउटर पोर्शन का सॉल्व करना है आउटर पोर्शन के लिए बात तो वही है बट रेडियस हमें चेंज करना होगा रेडियस मैंने कैपिटल एच से मैंशन कर दिया जो कैपिटल एच मेरे पास ऑलरेडी यहां है ओके तो सॉल्व करें इसको टू

फोर एट अपॉन टेन जिसे आप डेसीमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा वन जीरो सिक्स फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स लिखना नहीं भूलना हमें तो दो पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए अब बात आती है थर्ड पार्ट की थर्ड पार्ट को ध्यान से समझो कि वो क्या सॉल्व करने से के लिए हमें बोला जा रहा है हमें टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया के लिए इनर पोर्शन आउटर पोर्शन टॉप पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन मैं आपको फिगर में समझा देता हूं सारा कि हम किसकी बात कर रहे हैं इस पोर्शन की है हमारे पास एंड वेट मिनट ओके तो बात हो रही है हमारे पास किस किस पोर्शन की हमारे पास इस टॉप की बात हो रही है इस बॉटम की बात हो रही है और बाकी सारा जो पोर्शन है हमारे पास इनर और आउटर वो सारा पोर्शन हमारे पास इस पोर्शन की जिसको हम कवर्ड सरफेस एरिया इनर और आउटर दोनों की बात करेंगे यहाँ पर तो इसके लिए आपको सॉल्व क्या करना है वो ध्यान से समझो उसके बाद हम सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है ना तो टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या क्या सॉल्व करना है वो ध्यान से देखना आप एक तो आपको इसमें ऐड करना है आपका इनर सी जो इनर पोर्शन है उसका कर्व सरफेस एरिया और फिर आपको इसमें ऐड करना है आउटर सीएस से फिर इसमें हमें जो ऐड करना है उसे ध्यान से देखोगे जो आपका टॉप पोर्शन है वो सर्कुलर शेप में है सर्कुलर शेप एग्जैक्टली दो सर्कल्स हैं तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिंग एंड दिस पोर्शन इज आल्सो कॉल्ड रिंग मैं यहां पर आपको ड्रा करके दिखाता हूं कि मैं किस रिंग की बात कर रहा हूं अगर हम इस फिगर का टॉप यू चेक करें टॉप यू समझ रहे हैं आप तो 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 मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब हैं, दो सर्कल हैं आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल वो इसलिए क्योंकि हमें जो एरिया सॉल्व करना है वो इस येलो पोर्शन का एरिया सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है आपको शायद समझ में आने लगा कि पाईआर स्क्वायर माइनस स्मॉल सर्कल का रेडियस पाई आर स्क्वायर तो दिस आइडेंटिटी इज जनरली यूज फॉर रिंग्स एरिया ऑफ रिंग्स अगर हमें सॉल्व करना रिंग के लिए एक होता है हमारे पास दो रिंग है एक टॉप और एक बॉटम तो इसके लिए मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो टोटल सरफेस एरिया मींस हमने हर पार्ट इसका कवर कर लिया हमने इनर सी से कंसीडर किया हमने आउटर सी से और जो इसका टॉप पार्ट है और बॉटम पार्ट है वो भी हमने कवर किया इनर सी से ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके थे दिस वॉज नाइन आई थिंक सो येस yes, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर उसके बाद आपने आउटर पाला पार्ट भी सॉल्व किया हुआ वो आउटर पार्ट कितना हमारे पास 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दो पोर्शन तो ऑलरेडी सॉल्व थे ये तो एज इट इज हमने यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर लिए बट बात रह जाती है हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है ट्वाइस ऑफ पाया स्क्वायेर माइनस पाया स्क्वायर तो टू पाए भी कॉमन है आपके पास तो पाए मैं यही कॉमन ले लेता हूँ या यहीं सॉल्व कर देता हूँ ट्वेंटी टू बाई सेवन आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर आर ध्यान से देखना क्या है टू पॉइंट टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर आई थिंक आपको बात समझ आ रही ठीक है अब इसकी कैलकुलेशन को चेक करो कि वे कैलकुलेशन हमें क्या दे रही है वैल्यूज तो ये एज इट इज नाइन सिक्सटी एट वन जीरो एंड वेट ओके वन जीरो सिक्स फोर पॉइंट एट प्लस ये हो गया आपके पास फोर्टी फोर बाय सेवन अब जो आपके पास वैल्यू आ रही है टू पॉइंट टू का स्क्वायर फोर पॉइंट एट फोर कुछ ऐसा ही होगा एंड दिस इज द वैल्यू ठीक है तो आपके पास वैल्यू है नाइन सिक्सटी एट प्लस वन जीरो सिक्स फोर पॉइंट एट प्लस फोर्टी फोर सेवन इन टू जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा जीरो पॉइंट एट फोर कुछ ऐसा ही आएगा ना जीरो पॉइंट एट फोर को मैं डायरेक्ट मेंशन करना चाह रहा हूं फोर बाय हंड्रेड तो कैंसल होने के बाद आप चेक कर लो कि वैल्यूज आपके पास क्या क्या मिल जाएगी ये कैंसिल तो दिस इज ट्वेल्व ठीक है? 968 अब जो पार्ट है आपके पास फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व इज फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व इज फाइव ट्वेंटी एट अपॉन हंड्रेड 5.28 ट्वेंटी बाय तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो दिस विल बी 5.28, 1.064.8 एंड 968 तो फाइनल इसको ऐड कर दोगे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा जो कि हमसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन जो कि हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में है तो 968 प्लस 1.064.8 प्लस 5.28 आपके पास जो फाइनल आंसर है दिस इज नाउ टू जीरो थ्री एट पॉइंट जीरो एट सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज एटी फोर सेंटीमीटर रोलर का डायमीटर गिवन है रोलर की शेप याद करो ध्यान करो कि रोलर हमारा किस शेप में रहेगा बिल्कुल ठीक है सिलेंडर शेप में रहेगा तो कुछ ये शेप रहेगी हमारे पास रोलर की ठीक है इज द रोलर डायमीटर ऑफ़ दिस रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर इज़ 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ दिस रोलर इज 120 सेंटीमीटर तो जो ये लेंथ हमें दी गई है 120, ट्वेंटी दिस इज कंसिडर्ड एज हाइट ऑफ दिस रोलर कुछ ऐसा ही है इट टेक्स 500 हंड्रेड कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्ले ग्राउंड पांच सौ राउंड लेता है पांच सौ चक्कर लगाता है एक प्ले ग्राउंड के पूरा उसको लेवल करने के लिए फॉर द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड एंड मीटर स्क्वायर हमारे पास यूनिट्स जो गिवन है आप वो चेक करो पहले जो जो यूनिट दे रखे हैं वो हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है और हमें उनको कन्वर्ट करके हमारा आंसर मीटर स्क्वेयर में सॉल्व करके देना है. कुछ ऐसा ही है ना तो पहले तो आप ये सोचो जब ये रोलर ग्राउंड पर मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है तो ना तो इसका ये पोर्शन टच कर रहा ग्राउंड पर ना तो ये पोर्शन टच कर रहा है और ना ही इसका ये पोर्शन टच कर रहा है आई मीन इसका टॉप एंड बॉटम ग्राउंड को टच नहीं करेंगे तो हमें ये एक्सक्लूड करने हैं और एक्सक्लूड करने के बाद हमारे पास जो एरिया सॉल्व होगा या जो एरिया यूज होगा वो सीएसए यस बिल्कुल ठीक है कव सर्फेस एरिया कवि सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल फिगर ठीक है यही हुआ सी एस एफ सिलेंडर इज टू पाई आर एच ये एक राउंड ले लिया और उसका सी एस ए सोल्व हो गया कुछ ऐसा ही है ना हमारे पास तो पहले हम सी एस ए सोल्व करते हैं उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्या हम सॉल्व कर चुके हैं तो टू पाई की वैल्यू वैल्यूज ट्वेंटी आर आप चेक करो कितना डायमी एट्टी फोर है तो रेडियस विल बी फोर्टी टू वेरी गुड एंड एच हमारे पास ट्वेंटी ठीक है ना तो अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करना कैलकुलेशन को सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है तो ये सिक्स हुआ यहाँ से सब कैंसिल हो गया टू इंटू ट्वेंटी टू इज़ फोर्टी फोर और ये वाला मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ गया सेवन ट्वेंटी दन फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय सेवन ट्वेंटी फोर्टी फोर इंटू सेवन ट्वेंटी दिस इज थ्री वन सिक्स एट ज़ीरो जो मैंने यूनिट्स अभी सॉल्व किए हैं ये सभी के सभी अभी सेंटीमीटर स्क्वेयर्स में आ गए हमें जो एरिया सॉल्व करना है वो मीटर स्क्वेयर्स में सॉल्व करना तो व्हाट टू डू सोचो आपको करना क्या पड़ेगा सेंटीमीटर से मीटर स्क्वेयर्स में जाने के लिए हमें इसके डिवाइड करना है, ओके देन वन हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन आई एम राइटिंग हेयर, वन हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन मीटर कुछ ऐसा ही है अब सेंटीमीटर स्क्वे की बात करें तो टेन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू वन सॉरी वन मीटर स्क्वायर वन मीटर स्क्वायर ऐसे ही होगा क्योंकि तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया वन इंटू वन उधर हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर और वो मीटर स्क्वायर अब कन्वर्ट करने के लिए चेक करो कि क्या हो रहा है डिवीजन करने के बाद जो हमें वैल्यू मिल रही है वो मीटर स्क्वायर में मिल रही है जीरो जीरो कैंसिल हो गया थ्री वन सिक्स एट डिवाइडेड बाई वन थाउजेंडिसन सिक्स एट अब ये सीएसए तो सॉल्व हो गया सीएसए सॉल्व होने के से हमारा पर्पस तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये जो सीएसए सॉल्व हुआ है ये ग्राउंड पर एक राउंड लेने का एरिया है कितने राउंड कंसीडर किए गए हैं आप चेक करो 500 राउंड्स तो यहां पर इसको मेंशन कर देता हूं डिस्टेंस इन वन राउंड सॉरी डिस्टेंस नहीं हमें ये सॉल्व करके मेंशन करना एरिया कवर्ड इन वन राउंड ओके एंड फाइव हंड्रेड राउंड में वो एरिया कितना होगा अब अब वो चेक कर लेते हैं तो एरिया कवर्ड इन फाइव हंड्रेड राउंड देन फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थ्री पॉइंट वन सिक्स एट मीटर स्क्वायर तो इसे चेक कर लो कितना है 3.168 पॉइंट वन सिक्स एट मल्टीप्लाई बाय फाइव हंड्रेड थ्री पॉइंट वन सिक्स एट मल्टीप्लाई बाय फाइव हंड्रेड तो आपके पास आंसर आ रहा वन फाइव एट फोर ठीक है कुछ ऐसा ही है मीटर स्क्वायर फाइव हंड्रेड रेवोल्यूशन राउंड में जो एरिया कवर किया गया और वही एरिया किसके इक्वल है एरिया ऑफ दैट प्ले ग्राउंड तो ये हमारा उस प्लेग्राउंड का एरिया और ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ओके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर फिर से पिलर की बात हो रही है सिलेंड्रिकल फिगर एंड डायमीटर इज गिवन डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर ठीक है एंड द हाइट इज 3.5 मीटर तो यूनिट्स पर ध्यान देना हमें कि वहाँ पर जो चेंजेस उसने करके दिए हमें क्वेश्चन में गिवन जो है डायमीटर सेंटीमीटर्स में है और जो हाइट है वो 3.5 पॉइंट मीटर्स में है एट लास्ट हमसे जो लास्ट में आंसर जो पूछ लिया गया है वो मीटर स्क्वेयर में कॉस्ट गिवन है तो डेफिनेटली हमें एरिया भी मीटर में ही लाना है मीटर स्क्वेयर में लाना तो जो ये डायमीटर फिफ्टी सेंटीमीटर है अगर हम इसे डिवाइड कर लें फिफ्टी अपॉन हंड्रेड दिस विल बी बाई टू मीटर ठीक है ना अब हमारे दोनों डायमेंशन मीटर्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं एक गिवन थी एक हमने कन्वर्ट कर ली है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सर्फेस ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ दिस तो हो गया उसने लिख के ही दे दिया जब हमें केव सर्फेस सॉल्व करना तो हम कर्व सॉल्व कर लेते हैं तो कर्व सर्फेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पिलर ठीक है ना तो सिलेंडर की सिलेंड्रिकल फिगर की बात हो रही है तो ये रहा सिलेंडर हमारे पास सी से पूछ लिया गया है तो हम सी एस से सोल्व कर लेते हैं टू पाई आर एच टू पाई आर एच में टू ज ट्वेंटी टू बाई सेवन आर है हमारे पास या नहीं है R diameter is 1 by 2, तो, तो, तो जरा सोल्व कर लेते हैं इसको चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है कि आपका यह सेवन और थर्टी फाइव कैंसिल होने के बाद फाइव ठीक है ना ये टू एंड टू एंड दिस टू इज इलेवन तो फाइनल इलेवन फाइव एंड टेन ये टू तो आपके पास जो रह गया एलेवन अपॉन टू इट मींस फाइव पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर ये तो हमें मिल गया इस पिलर का सी एस से अब हमसे सिर्फ सी एस से नहीं पूछा गया उसको पेंट करने की कॉस्ट पूछी गई है तो अब हम इसकी कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पहले तो वन मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो गिवन है हम वो चेक करो कितनी है ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो आई मीन ट्वेल्व रुपीज फिफ्टी पैसा मीटर स्क्वायर के लिए हमें जो कॉस्ट सॉल्व करनी है वो कितनी है वो आप चेक कर लो कि एरिया हमने क्या सॉल्व किया हुआ तो कॉस्ट ऑफ 5.5 मीटर स्क्वायर इज़ 12.50 मल्टीप्लाई बाय 5.5 ठीक है तो 12.50 मल्टीप्लाई बाय 5.5 आपका जो आंसर आ रहा 68.5 ये उस पिलर को पेंट करने की हमारी कॉस्ट रहेगी जो हमारा आंसर रहेगा ठीक है तो फाइनल आंसर है हमारा सेवेंटी एट पॉइंट सेवन फाइव रुपीजन क्वेश्चन नंबर सिक्स सी एस ए राइट सर्कुलर सिलेंडर तो ड्रॉ कर लीजिए पहले तो राइट सर्कुलर सिलेंडर समझ लेते हैं कि फिगर क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर सी एस ए के वन है तो सीएसए लिख लेते हैं कि सीएसए क्यागे वन है फोर पॉइंट फोर मीटर स्क्वायर ठीक है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर ऑफ दिस सिलेंडर इज 0.75 मीटर हमें रेडियस भी गिवन है 0.7 मीटर कर्व सरफेस एरिया रेडियस दो दो डायमेंशन दो दो वैल्यूज गिवन है सॉल्व करने को हमें क्या बोला गया है कि इस फिगर की हमें हाइट सॉल्व करनी है ठीक है ना तो सी एस ऑफ सिलेंडर पहले तो याद करो कि सी एस सिलेंडर है क्या एग्जैक्टली सी एस एफ फिगर टू पाई आर एच टू पाई एस ट्वेंटी टू बाई सेवन आर क्या है चेक करो जीरो पॉइंट सेवन तो इसको मैं डेसीमल्स में कर, नहीं लिखते हुए फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो हो गया सेवन बाय टेन एच सॉल्व करना है तो एच को हम एज इट इज एच ही लिख देते हैं और सी एस एफ सिलेंडर गिवन है फोर पॉइंट फोर तो उसका डेसीमल एलिमिनेट करने के बाद दिस विल बी फोर्टी फोर बाय टेन अब कैलकुलेशन ईजी हो गई आपके लिए आई थिंक मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई या शिफ्ट ट्रांसपोज करना तो एच एज इट इज वही 44 फोर बाय टेन भी वही बाकी जो वैल्यूज हैं ये 2 upon 1 है जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो दिस दिस विल 1 by 2, तो साइड 22 सेवन बाई ट्वेंटी टू हो जाएगा 7 बाय टेन को जब आप शिफ्ट करोगे तो ये 10 बाय सेवन हो जाएगा अब आपके लिए आई थिंक ये ईजी हो गया कैलकुलेट करना आप चेक करो कि ये क्या क्या कैंसिल कर रहा है हमारी वैल्यूज को सेवन एंड सेवन एलिमिनेट हुआ टेन से टेन एलिमिनेट हुआ एंड ये 44 भी एलिमिनेट हुआ तो हमें जो हमारे इस फिगर में हाइट मिल रही है दिस इज वन एंड वन मीटर या सेंटीमीटर वो आप चेक करो कि हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल फिगर इज वन मीटर ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ओके ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल सर्कुलर वेल इट मीनस आपको शेप ध्यान करनी है कि वो सर्कुलर वेल well की बात कर रहा है तो वो शेप क्या है हमारे पास ये yes, बिल्कुल ठीक है एक सिलेंड्रिकल फिगर होगा तो सिलेंड्रिकल फिगर वो एक हमारे पास जो सर्कुलर वेल well जिसकी बात कर रहे हैं इनर डायमीटर हमें डायमीटर गिवन है इसका तो डायमीटर इज 3.5 पॉइंट फाइव मीटर्स थर्टी बाय बाई टेन मीटर्स तो रेडियस वेल भी तो रेडियस क्या होगा जस्ट हाफ थर्टी फाइव अपॉन ट्वेंटी मीटर्स फ्रैक्शन में चलने देते हैं इजी रहेगा हमारी कैलकुलेशंस के लिए तो डायमीटर हमें गिवन था हमने रेडियस सॉल्व कर लिया इट इज़ टेन मीटर डीप डीप मतलब आई मीन हाइट गिवन है इस फिगर में इस फिगर की जो हाइट है वो है टेन मीटर्स यस यूनिट्स चेक करते रहना कहीं वो डिफरेंट ना हो मीटर्स हैं रेडियस भी हमारे पास मीटर्स में है और हाइट भी हमारे पास मीटर्स में है फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो डायमीटर था वो आप चेक कर लेना कि वो जो डायमीटर था वो इनर डायमीटर ही था तो अब हम जो सॉल्व करेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट वो भी हम इनर सी से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि हमसे वही पूछा गया तो इनर सी एस ऑफ सिलेंड्रिकल फिगर हाँ जी क्या होगा टू पाई आर एच ठीक है ना तो टू द वैल्यू ऑफ पाईजी टू बाई सेवन एंड आर आर चेक करो क्या है हमारे पास बिल्कुल ठीक है थर्टी फाइव बाई ट्वेंटी थर्टी फाइव बाई ट्वेंटी एंड हाइट हमारे पास टेन मीटर्स है वो भी मैंने किया दिस इज टेन अब चेक करो कि क्या क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है वैल्यूज कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो बच जाएगा देखो ट्वेंटी से ये ट्वेंटी कैंसिल और ये फाइव तो ट्वेंटी टू इंटू फाइव इट्स वन वन जीरो यूनिट्स चेक करोगे मीटर्स में था तो एरिया विल बी वन जीरो मीटर स्क्वायर ये तो आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास इनर कव सर्फेस एरिया सेकेंड पार्ट में हमसे इसकी कॉस्ट पूछी गई है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस प्लास्टर एट द रेट ऑफ रुपीज फोर्टी पर मीटर स्क्वायर तो सेकेंड पार्ट तो पहले तो कॉस्ट लिख लेते हैं कि वन मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या वन है कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर कितनी है वो कॉस्ट यस, फोर्टी मीटर रुपीज फोर्टी ठीक है फोर्टी रुपीज की कॉस्ट है वन मीटर स्क्वायर की और हमारे पास जो यूनिट्स हैं, आई यूनिट है वो कितना है तो उसके लिए हम लिख लेते हैं यहां पर अब हमने जो सॉल्व करना है कॉस्ट ऑफ वन वन जीरो मीटर स्क्वायर फोर्टी इंटू वन वन Zero. तो मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? ये बिल्कुल ठीक है रुपीज फोर्टी फोर okay, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट स्टेटमेंट को समझ के फिर से स्टार्ट कर लेते हैं इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम पानी गर्म करने के लिए मशीन जो आपको दी गई है इट्स हीटिंग सिस्टम देर इज अलेंड्रिकल पाइप ऑफ ट्वेंटी एट मीटर इन लेंथ एंड द इज फाइव सेंटीमीटर तो ध्यान देने वाली बात आपके लिए फिर से यहाँ पर यह है कि आपके पास जो लेंथ है वो मीटर्स में है और जो आपके पास डायमीटर है वो सेंटीमीटर्स में है। हमेशा बोल रहा हूँ यहाँ ध्यान जरूर देना अगर यहाँ गलती हो गई तो आप सम सॉल्व करेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है कि सिलेंड्रिकल फिगर है तो फिगर आपके पास है उसमें हाइट मैंने मेंशन किया 28 मीटर डायमीटर 5 सेंटीमीटर था सबसे पहले रेडियस सॉल्व कर लेते हैं 5 बाई टू सेंटीमीटर अब मीटर्स में ही मैं मेरा सम सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है फाइव बाई टू हंड्रेड मीटर्स ठीक है अब मेरे पास रेडियस और हाइट है मीटर्स में है तो मैं अपना सम कंप्लीटली मीटर्स में सॉल्व कर पाऊंगा ठीक है ना नाउ द पार्ट इज़ कि आपको सॉल्व क्या करना है टोटल रेडिएटिंग सर्फेस इन द सिस्टम रेडिएटिंग सर्फेस मीन्स जहाँ रेडियस आपके पास इंक्लूडेड है इनर पोर्शन अंदर वाले पोर्शन की बात की गई है ना ही इसके टॉप और ना ही इसके बॉटम की बात की गई ठीक है तो अंदर वाला पोर्शन जिसके हमें सोल्व करना तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्व करना कौन सा एरिया सॉल्व करना येस yes, बिल्कुल ठीक है सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल फिगर इस हॉट वाटर सिस्टम का हमें कर्व सर्फेस एरिया सॉल्व करना कर्व सर्फेस एरिया सोल्व करने के लिए वी हैव अ मेथड टू पाई आर एच पाई आर एच में टू देन पाई इज ट्वेंटी टू बाई सेवन एंड आर आर ये चेक करना ध्यान से फाइव बाई टू हंड्रेड मीटर्स फाइव बाई टू हंड्रेड मीटर्स एंड हाइट इज ट्वेंटी एट मीटर ठीक है यहाँ तक अपने वैल्यूज पुट कर ली हैं वैल्यूज पुट करने के बाद चेक करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज कैंसिल हो रहा है यहाँ से ये कैंसिल हो गई ठीक है एंड ये इसको कैंसिल करने के बाद आपके पास कितना बचा हुआ 100 बिल्कुल ठीक अब 100 मैं मेरे साथ रखना चाहूंगा डिनोमिनेटर में हमेशा आपको बताता जा रहा हूँ कि जीरोज आपको हेल्प कर रहे हैं कैलकुलेशन में तो ट्वेंटी टू इंटू फाइव इंटू फोर इज ट्वेंटी तो एक जीरो आपका और कैंसिल हो गया तो यहाँ से अब इसे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि जीरो अगर कैंसिल हो रहा है इट्स गुड अदरवाइज आप जीरो को एलिमिनेट मत करिए तो ये आपके पास आ गया फोर्टी फोर पॉइंट टेन तो फाइनल आंसर इज फोर पॉइंट फोर मीटर स्क्वायर यस ये ध्यान देना आपने मीटर स्क्वायर में आपके पास आंसर है क्योंकि हमने अपनी सारी कैलकुलेशन मीटर स्क्वायर में सॉल्व की है और हमारा आंसर आ गया फोर पॉइंट फोर मीटर स्क्वायर सी एस ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन द लिटल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई हाइट गिवन है मैंने मेंशन कर दिया उसकी जो लेंथ कंसीडर हो जाएगी हाइट डायमीटर इज ऑल्सो गिवन इट्स फोर पॉइंट टू और विद्प ऑफ डायमीटर हम रेडियो सॉल्व कर रहे हैं और रेडियो सोल्व करने के बाद वो वैल्यू आ रही है हमारे पास टू मीटर ओके फाइन करने को बोला गया लिटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट में तो फिगर क्लोज है टैंक बट हार्डली मैटर्स हमें सॉल्व करने को जो बोला गया हमें सॉल्व तो वही करना है ठीक है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर द मेथड विल बी टू पाई आर एच ठीक है हमारे पास मेथड तो यही है कर्व सर्फेस एरिया सॉल्व करने का तो वैल्यूज जो आपके सामने रहेंगी उसको पुट कर दो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा उसको चेक करते हैं कि टू ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई बाय आर आर चेक करो ट्वेंटी टू पॉइंट वन मीटर है तो पहले तो इसको हम डेसिमल को एलिमिनेट कर लेते हैं ट्वेंटी वन बाय टेन और हाइट भी आपके पास डेसिमल्स में है फोर पॉइंट फाइव तो ये हो जाएगा फोर्टी फाइव बाय टेन अब इसकी कैलकुलेशन के लिए फिर वही जो मैं हर सम में रिपीट कर रहा हूं जीरोज को अपने साथ रखिए आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प कर रहे हैं ठीक है तो सिर्फ जीरोज़ मेरे पास हैं डेनोमिनेटर में वो मैंने हंड्रेड एज इट इज मैंशन कर दिया देन टू इंटू ट्वेंटी टू इज़ फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड मल्टीप्लाई बाय फोर्टी फाइव इसे चेक कर लेते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है ठीक है आप भी चेक करो आप कैलकुलेट करो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ कि वैल्यू क्या आ रही हैं तो फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड मल्टीप्लाई बाय फोर्टी फाइव इज फाइव नाइन फोर जीरो डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो ये एक ज़ीरो और कैंसिल हो गया और उसके बाद जो मुझे आंसर मिल रहा है 59.4 यूनिट्स चेक करना जरूर ध्यान रखिएगा मीटर स्क्वायर ठीक है ना बच्चों ठीक है तो आपके पास 59.4 मीटर स्क्वायर आपने सॉल्व कर दिया इसका सी एस से अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट इसके सेकेंड पार्ट पर ध्यान से एक स्टेटमेंट को समझना है आपने कि उसमें क्या गिवन है क्या सॉल्व करना नाउ हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज हमसे ये पूछा गया कि टोटल स्टील कितना यूज किया गया इफ वन अपॉइंट ट्वेल्व ऑफ द एक्चुअल स्टील यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक टैंक को बनाने में हम थोड़ा सा पार्ट वेस्ट किया थोड़ा सा स्टील वेस्ट किया तो जो वेस्टेज है उसको भी ध्यान रख लेते हैं और बाकी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं कि बचे हुए स्टील से हमने क्या क्या कंप्लीट बना दिया ठीक है तो सबसे पहले तो जो स्टील हमने यूज किया उसकी बात करते हैं लेट एक्चुअल स्टील यूज हम ऐसे ले, ले लेते हैं कि जितना स्टील हमने एक्चुअली यूज किया एक्स मीटर स्क्वर कुछ तो एरिया रहा होगा ठीक है एक्स मीटर स्क्वायर फिर हमने कुछ पार्ट वेस्ट किया हमारी जो वेस्टेज है वो कितना वन बाय ट्वेल्व ऑफ एक्स आई मीन एक्स बाय ट्वेल्व मीटर स्क्वायर ये पार्ट हमने वेस्ट कर दिया उसके बाद हमने जो पार्ट वेस्ट कर दिया वेस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है रिमेनिंग स्टील है उसको लिख लो कि क्या आता है रिमेनिंग स्टील तो रिमेनिंग स्टील में क्या होगा कि ओरिजिनली जो आप स्टील यूज कर रहे थे वो और उसमें से जो आपने वेस्टेज आपने माइनस करनी है जो आपने डिडक्ट कर दिया वो है एक्स बाय ट्वेल्व तो ये सब सॉल्व करने के बाद बाय टेकिंग एल सी एम आपके पास जो वैल्यू आ रही है इलेवन एक्स बाय ट्वेल्व मीटर स्क्वायर यहाँ तक भी बात समझ में आ गई तो आपके पास जो स्टील बचा हुआ इस बचे हुए स्टील से हमें कंप्लीट हमने टैंक बना दिया और वो टैंक की स्पेशलिटी आपको ध्यान रखनी है कि वो जो टैंक आप बना रहे हैं वो जो टैंक है वो क्लोज्ड सेंट्रिकल टैंक है क्लोज सिलेंट्रिकल टैंक मींस कि आपको वो टॉप से भी बॉटम से भी बंद करना था तो उसके लिए आपको कौन सा एरिया सॉल्व करना है वेरी गुड आपको पता होना चाहिए कि आप यहां पर कौन सा एरिया सॉल्व करने जा रहे हैं तो वो आप एरिया सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल फिगर और उसके लिए मेथड क्या है यस टू पाई आर इंटू आर प्लस एच ठीक है अब टू पाई आर आर कितना था चेक कर लो आर आपके पास मैंशन है आर इज़ टू पॉइंट वन तो मैंने पहले भी यही लिखा था ट्वेंटी वन बाई टेन डेसिमल हटा के हम साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं एंड आर प्लस एच मतलब ट्वेंटी वन बाई टेन एंड प्लस एच एच चेक करो कितना था एच एस फोर पॉइंट फाइव मीटर्स तो इस मीटर्स पॉइंट को डेसिमल इस डेसिमल को हटाने के लिए भी हम लिख देंगे फोर्टी फाइव बाई टेन ठीक है तो हम फिर से अपने पास जीरोज रख लेते हैं और बाकी जो कुछ है डेनोमिनेटर में अगर एलिमिनेट होता है तो उसको एलिमिनेट कर लेते हैं तो एलिमिनेट हो गया तो अब हमारे पास ये हो गया टू इन ट्वेंटी टू इट्स फोर्टी फोर इंटू थ्री डिवाइड बाई टेन ये वाला पार्ट सॉल्व फिर मल्टीप्लाई और यहाँ एल्शियम के बाद हमारे पास आ रहा है सिक्सटी सिक्स बाय टेन ठीक है तो फोर्टी फोर इंटू थ्री इज वन थर्टी टू अपॉन टेन मल्टीप्लाई बाय सिक्स सिक्स अपॉन टेन यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको ठीक है अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप भी चेक करो और मैं भी यहाँ पे सॉल्व करके लिख देता हूँ वन थर्टी टू मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी सिक्स इज़ एटी सेवन वन टू आई मीन एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड एंड दिस विल बी इन डेसीमल पार्ट 87.12 मीटर स्क्वायर ये वो एरिया है टोटल सरफेस एरिया जो आपने उस बचे हुए स्टील से बनाया था ओके okay. अब हमसे पूछा ये गया कि एक्चुअल स्टील आपने कितना यूज़ किया तो आपके पास जो बचा हुआ पोर्शन से स्टील बना वो ये है और बचा हुआ पोर्शन क्या था ज़रा वो याद करो क्या निकाला था हमने क्या सॉल्व किया था येस वेरी गुड हमने सॉल्व किया था इलेवन एक्स मीटर स्क्वायर तो ये 11x/12 मीटर स्क्वायर जो आपके पास बचा हुआ स्टील है और उस बचे हुए स्टील से आपने टीएस से आई I मीन mean वो टैंक क्लोज्ड टैंक बना दिया उसको बनाने के बाद हमने जब इक्वेट कर दिया अब हमें सॉल्व क्या करना x की वैल्यू और x याद करना क्या था x आपका वो एक्चुअल स्टील था जो आपने यूज किया और हमसे यही पूछा गया ठीक है तो एट्टी सेवन वन बाई टू आई मीन एट सेवन वन टू अपॉन हंड्रेड मैंने डेसिमल हटा दिया है और ये 12 यहाँ एंड 11 यहाँ अब आपने इसे सॉल्व करके अपने आंसर को मेंशन कर देना और वो आंसर आपके पास जो आ जाएगा वो है मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 11 सिर्फ मैंने किसकी बात की है इन तीनों पार्ट को वन टू एंड थ्री इन तीनों पार्ट को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ गया है वो है नाइन फाइव जीरो फोर अपॉन अपॉन हंड्रेड तो 95.04 मीटर स्क्वायर एक्चुअल स्टील यूज्ड जो हमसे पूछा गया है वो हमारा आंसर है ओके okay? ओके okay, हमारा क्वेश्चन नंबर टेन स्टेटमेंट फिर वही है कि फिगर वही है कि हमारे पास सिलेंड्रिकल फिगर गिवन है इन दिस गिवन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैंप शीट इट इज़ टू बी कवर्ड डेकोरेटिव क्लॉथ हमें कपड़े से कवर करना है इसको क्लॉथ से द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ द 20 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर हमें गिवन है तो डायमीटर मैं में मेंशन कर देता हूँ 20 सेंटीमीटर हाइट इज आल्सो गिवन 30 सेंटीमीटर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मार्जिन ऑफ टू सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट एक मार्जिन रिक्वायर्ड है हमें यहाँ पर टॉप और बॉटम को कवर करने के लिए तो जो हमें एड करना है जो इसकी हाइट को इंक्रीज करेगा वो ध्यान से चेक करना आपके पास ओरिजिनली हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर और हमें इसके टॉप और बॉटम पर मार्जिन रिक्वायर्ड है तो टॉप पर मार्जिन जो रिक्वायर्ड है इट्स 2.5 सेंटीमीटर टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन आल्सो हमें दोनों तरफ मार्जिन चाहिए तो 2.5 सेंटीमीटर टॉप एंड 2.5 सेंटीमीटर बॉटम मार्जिन रिक्वायर्ड तो ये ऐड होने के बाद हमारे पास जो हाइट में चेंज आ जाएगा जो हमें एक्स्ट्रा हाइट रिक्वायर्ड हो गई वो है फाइव और टोटल हाइट हमारे पास हो गई अब थर्टी फाइव सेंटीमीटर ओके तो मार्जिन हमने ऐड कर दिया यहां पर तो हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं थर्टी फाइव सेंटीमीटर हमारे पास हाइट है डायमीटर हमारे पास ट्वेंटी सेंटीमीटर है अब हमसे पूछा गया है हाउ मच फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए हमें कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है तो इसके लिए हमें जो सॉल्व करना पड़ेगा वो हमें क्या करना है सी एस एफ सिलेंड्रिकल फिगर इट्स टू पाए आर एच टू पाए वैल्यू इज ट्वेंटी टू बाई सेवन आर आपके पास डायमीटर अगर आपके पास ट्वेंटी है तो आप खुद चेक कर सकते हो कि आपके पास रेडियस कितना हो जाएगा इट्स टेन सेंटीमीटर तो रेडियस हमारे पास टेन एंड हाइट इज थर्टी फाइव ओके तो ये है हमारे पास वैल्यूज जिसको हमने एरिया में कन्वर्ट कर दिया है सब सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एरिया सेंटीमीटर वेज में आ जाएगा और वो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू है उसे चेक करो आपकी क्या होगा ये ये हुआ कैंसिल हमारे पास तो ट्वेंटी टू इंटू टू इज फोर्टी फोर टेन इंटू फाइव इज फिफ्टी ये है हमारे पास 44 फोर इंटू फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेशन आप भी चेक करो मैं आपको सॉल्व करके यहाँ कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आपके पास जो फाइनल इसका आंसर है डबल टू डबल जीरो टू थाउजेंड टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर अब चेक कर लेना कि कहीं इसमें यूनिट्स की रिक्वायरमेंट कुछ और ना हो फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम शेड अगर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिखना है तो ट्वेंटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर और अदरवाइज अगर आपको आंसर लिखना है मीटर स्क्वायर में तो इट इज ट्वेंटी टू हंड्रेड अपॉन राइट हंड्रेड एंड हंड्रेड आई मीन टेन थाउजेंड तो आपके पास दो जीरो कैंसिल टू जीरो तो कैंसिल होने के बाद आपके पास जो फाइनल बच जाएगा आंसर है जीरो पॉइंट टू टू मीटर स्क्वायर ओके ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इवन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्ड टू पार्टिसिपेट इन अ अम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स उनको पेन होल्डर्स बनाने के लिए बोला गया है और पेन होल्डर के लिए शेप हमें भी एक्सप्लेन कर दी गई है कि इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल फिगर विद अ बेस डेफिनेटली बेस रहेगा हमारे पेन होल्डर में मैंने भी मार्क कर दिया यूजिंग कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड यूज किया जा रहा है इन ईच पेन होल्डर वॉज टू बी रेडियस हमें रेडियस बता दिया गया है कि इसका रेडियस कितना है तो रेडियस इज थ्री सेंटीमीटर एंड हाइट के बारे में भी हमें गिवन है इन्फॉर्मेशन तो हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर तो आपने यूनिट्स पर फिर से ध्यान देना कि यूनिट्स आपके इक्वल हैं या नहीं आई मीन सेम है या नहीं है सेंटीमीटर्स और मीटर मस्ट बी सेम मतलब ऐसा नहीं कि एक मीटर और एक सेंटीमीटर और आप इसको सॉल्व किए जा रहे हैं यह गलती कभी भी नहीं करनी है ठीक है ना मेरे हर सम में हर वीडियो में मैं ये एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कॉमनली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि मीटर्स पढ़ा सेंटीमीटर्स पढ़ा सम सॉल्व किया एंड देन आंसर इज रॉन्ग ऐसा नहीं करना आपको ठीक है एंड द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड इफ देयर आर थर्टी फाइव कॉम्पिटेटर्स टोटल कॉम्पिटेटर्स गिवन है नंबर ऑफ कॉम्पिटेटर्स थर्टी फाइव है हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर टू बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन तो उस विद्यालय को कॉम्पिटिशन के लिए कितने कार्डबोर्ड्स का पोर्शन रिक्वायर्ड है आई I मीन mean कितने कार्डबोर्ड्स रिक्वायर्ड हैं एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा उसके लिए हमें वो सॉल्व करना तो पहली बात तो ये कि जो फिगर आपको समझ में आ गई एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि जब एरिया सॉल्व करना मैं यहाँ पर मैंशन करता हूँ आपके लिए एरिया उस एरिया में क्या क्या सॉल्व करना एरिया ऑफ पेन होल्डर की बात करते हैं हम उस एरिया ऑफ पेन होल्डर में आपको क्या क्या सॉल्व करना है एक तो इसका सॉल्व करना है हमें एरिया ऑफ बेस जो कि एक सर्कुलर शेप में है प्लस सीएसए इसका कव पार्ट सीएसए ऑफ सिलेंडर ठीक है ना तो अब सर्कुलर शेप में अगर एरिया है तो उसका एरिया सॉल्व करने का मेथड होता है पाया स्क्वायर एंड प्लस एरिया सीएसए ऑफ सिलेंडर टू पाई आर एच तो आप चेक कर लो आपके बस सभी वैल्यूज अगर हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे तो पाई कॉमन कंसीडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए हेल्प हो जाएगी कैलकुलेशन में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे पाई एंड आर मैंने कॉमन कंसीडर कर लिया तो आर प्लस टू एच जो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट है मुझे इसको सॉल्व करना एंड पाई द वैल्यू ऑफ पाई इज ट्वेंटी टू बाई सेवन आर इज़ थ्री जो मैंने रिप्लेस कर दिया आर की जगह एंड टू इंटू एच और एच हमारे पास है टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव का डबल आप करके देख लीजिए कितना होगा क्योंकि आपको टू से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वेंटी वन ठीक है तो यहाँ मैंने पुट कर दिया है टू इंटू एच अब आपकी कैलकुलेशन आपके सामने ट्वेंटी टू इंटू थ्री एंड थ्री प्लस ट्वेंटी वन इज ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई सेवन चेक कर लेते हैं कि कितना है और अभी एक बात और मेरा एक सजेशन आपके लिए कि आपने एरिया सॉल्व कर दिया बट दिस इज नॉट फाइनल आंसर ठीक है तो ये जो आप सॉल्व कर रहे हैं ये आपने सॉल्व किया एरिया ऑफ पेन होल्डर आई मीन वन पेन होल्डर मैं यहां मेंशन कर देता हूं आपके लिए वन पेन होल्डर एक पेन होल्डर का एरिया आपको मिल चुका आपके पास थर्टी फाइव कॉम्पिटिटर्स हैं तो यू नीड टू सॉल्व एरिया फॉर थर्टी फाइव पार्टिसिपेंट्स तो इसके लिए मैं आगे मैंशन कर रहा हूं कि एरिया ऑफ थर्टी फाइव पेन होल्डर्स क्योंकि हमें जो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है वो थर्टी फाइव पेन होल्डर्स के लिए रिक्वायर्ड है तो थर्टी फाइव इंटू ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर अपऑन सेवन आपने ध्यान दिया कि मैंने मेरी पहली कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व नहीं करने का रीजन अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि मैं वहां पहले डिवाइड कर रहा हूँ फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इट विल टेक टाइम और आपके एग्जाम में टाइम एंड रॉन्ग होने के चांसेस भी हैं आपके अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं फाइव मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी टू इंटू थ्री इंटू ट्वेंटी फोर अब आप इसको सॉल्व करके चेक करो मैं भी आपको चेक करके बताता हूं कि आंसर क्या है तो फाइव इंटू ट्वेंटी टू इज हंड्रेड टेन मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर तो हमारा फाइनल आंसर जो आ गया सेवन नाइन टू जीरो यूनिट जरूर चेक करना कि आपके पास यूनिट्स क्या हैं वो सेंटीमीटर्स में थे और सब कुछ सेंटीमीटर्स में सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर तो 35 फाइव पेन होल्डर्स के लिए हमें आंसर मिल चुका है दिस इज योर आंसर ओके